साथियों, बुआ हो या बबुआ या फिर कांग्रेस के नामदार, यूपी की समझदार जनता को ये लोग सिर्फ जाति में बांटकर देखते हैं। उन्हें लगता है कि वोटर उनकी जागीर है, वो जब चाहेंगे अपनी जागीर एक दूसरे को देंगे। ये लोग अपनी कुर्सी की डील में वोटरों को नहीं अपने कार्यकर्ताओं को भी भूल जाते हैं। साथियों, याद करिए, जब यहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कैसे एक दूसरे के घोर विरोधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील हुई थी। इस डील के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जमीन पर काम करने वाले सपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती कहा गया कि हाथ मिलाओ, क्योंकि एयर कंडीशन कैमरे में बैठकर दो लड़कों ने हाथ मिला लिया था। इसके दो साल के भीतर भीतर ही ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी डील तोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वह हाथ नहीं, एक दूसरे के कॉलर पकड़ो। भाइयों बहनों, 23 मई को भाजपा एनडीए के हाथों पराजय मिलने के बाद सपा बसपा के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को फिर से कहने जा रहे हैं कि आप भी एक दूसरे के कॉलर पकड़ो। साथियों, सपा बसपा और कांग्रेस के इन नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला खिलौना समझ रखा है। चाहे कार्यकर्ता अपमानित महसूस करे, चाहे उसका हौसला टूट जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, एक होता है लीडर जो समाज की खुशी के लिए समर्पित होता है, और दूसरी तरफ होते हैं डीलर जो सत्ता की अपनी कुर्सी के लिए डील करते रहते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के डीलर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता को गलत समझने की भूल कर रहे हैं। यूपी की जनता, मिर्जापुर की जनता जानती है कि कौन, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर की जनता ये जानती है कि कौन आतंकवादी को घर में घुसकर मार सकता है। कौन आतंकी मसूद अजहर पर बैन लगा पर उस पर शिकंजा कस सकता है। कौन देश में पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के बिना एक दाग एक सरकार चला सकता है। कौन है जो नक्सलवाद की सफाई कर सकता है। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। भाइयों बहनों, मोदी अकेला नहीं कर सकता है, इसके लिए आपके वोट की ताकत जरूरी होती है।
हिंदुस्तान का एक एक वोट चौकीदार को मजबूत बनाता है और ये चौकीदार देश को मजबूत बनाने में लगा रहता है।